अभी हम लोग जो रियर क्रैंक ऑयल सील है ये फीडिंग हो गया, इसके बाद हम लोग फ्लाई व्हील फीडिंग करेंगे, इसके बाद क्लच प्लेट प्रेशर प्लेट हम लोग फीडिंग करेंगे। अभी हम लोग फ्लाई व्हील भी सेटिंग कर दिया और जो पिन है पिन सही से अलाइन करके हम लोग फीडिंग किया, उसके बाद क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट ये दोनों हम लोग फीडिंग करके ये काम पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हेड हम लोग जो टॉर्क रेंच है टॉर्क रेंच से टाइट देके फिर डिग्री में हम लोग टाइट देंगे। हाइड्रोलिक लैच, अभी हाइड्रोलिक लैच जो है वो हम लोग 16 फीट करेंगे एक एक करके, आज थोड़ा इसमें मोबिल डालेंगे, मोबिल डाल के हाइड्रोलिक लैच ऐसे करके फिट करेंगे, पूरा 16 फीट होगा। और जिस टाइम हाइड्रोलिक लैच जो है वो हम लोग पुराना लैच जो है फिटिंग कर रहे हैं, अभी एक एक करके हम लोग फिटिंग, और जिस टाइम हाइड्रोलिक लैच फिटिंग करेंगे उस टाइम ये जो रोलर है इसको भी चेक करेंगे, ये जो मुंह है इसको भी चेक करेंगे, हाइड्रोलिक लैच का जो लॉक होता है ये लॉक भी चेक करेंगे। अभी ऐसा करके हम लोग फिटिंग करेंगे स्टेप बाय स्टेप, 16 लैच फिटिंग होने के बाद ही जो कैम है वो कैम फिटिंग होता है। अभी जो है हम लोग पूरा जो लैच है वो पूरा फिटिंग कर दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 लैच फिटिंग हो गया। इसके बाद हम लोग ये जो कैम है कैम हम लोग फिटिंग करेंगे, लेकिन इसमें झंझट वाला कोई बात नहीं है, यहाँ पे इनलेट लिखा हुआ है और यहाँ पे ये एग्जॉस्ट लिखा हुआ है, एग्जॉस्ट वाला जो कैम है वो इस तरफ रहेगा, वो अपना फिटिंग हो जाता है, ऐसा कोई बात नहीं है, ऐसा ही फिटिंग होगा। जिस टाइम हम लोग फिटिंग करेंगे ये जो मार्किंग वाला जो पॉइंट है ये वाला जो पॉइंट है ये फ्री लोड में होना चाहिए, ये देखिए फ्री लोड है, ठीक है फ्री लोड है, घुमाएंगे फिर एक जगह में आ जाएगा। ये है एग्जॉस्ट कैम हो गया, फिर से एक बार दिखा दे रहा हूँ, ये है एग्जॉस्ट कैम, एग्जॉस्ट EX लिखा हुआ है, इसके लिए जो मार्किंग वाला जो पॉइंट है इसमें रहेंगे, ये देखिए फ्री लोड में, और इनलेट वाला जो है इसको भी फिटिंग करेंगे, ऐसा करके फिटिंग होता है। इसका भी आई मार्किंग दिया हुआ है, हाँ यह फ्री लोड हो गया। अभी हम लोग जो कैप है कैप को सेटिंग करेंगे स्टेप बाय स्टेप, कुछ भी जो इन्फॉर्मेशन है वो मिस होगा तो इंजन जिस टाइम हम लोग बांधेंगे उस टाइम प्रॉब्लम होगा। ये फ्यूल लोड हो गया, अभी थोड़ा इसमें ऑयल डालेंगे, उसके बाद जो कैप है कैप भी हम लोग फिटिंग करेंगे। अभी हम लोग जो कैम है कैम भी फिट कर दिया, और कैम का जो कैप है 1 2 3 4 कैप लगा दिया, और 1 2 3 4 अभी हो गया। ये जो है ये दोनों कैम को पकड़ने का काम करते हैं, और इसमें लिखा हुआ है ये जो है आई मतलब इनलेट 1 इनलेट 2 इनलेट 3 इनलेट 4 और एग्जॉस्ट 4 एग्जॉस्ट 3 एग्जॉस्ट 2 और एग्जॉस्ट 1 बस। इसके ऊपर हम लोग जो टॉर्क है वो अप्लाई करेंगे, पहले कैम जो बियरिंग कैप है इसके ऊपर हम लोग पहले 5 से 9 न्यूटन मीटर देंगे, उसके बाद 11 से 13 न्यूटन मीटर तक हम लोग यूज़ करेंगे, पहले 5 से 9 उसके बाद 11 से 13 न्यूटन मीटर, और उसके बाद जो कैम बोल्ट का जो 12 नंबर बोल्ट है इसका टॉर्क अलग होगा,
वो है 9 से 18 तक, उसके ऊपर 22 न्यूटन मीटर तक टॉर्क देना है। इसमें 22 न्यूटन मीटर टॉर्क लगेगा। ये जो बोल्ट है इसमें 13 न्यूटन मीटर लास्ट ये बोल्ट टाइट होगा। अभी टॉर्क करके हम लोग टाइट करेंगे, हम लोग जो टॉर्क बोल्ट करेंगे तो 13 न्यूटन मीटर टॉर्क देंगे। टाइट कर दिया। इसके बाद हम लोग जो कैम वाला जो बोल्ट है वो सामने तरफ का जो बड़ा 3 बोल्ट है उसको हम लोग टाइट करेंगे 22 न्यूटन मीटर तक। 22 न्यूटन मीटर अभी सेट करेंगे, क्लिक है। हम लोग ये जो बोल्ट है 12 नंबर बोल्ट है इसको 22 न्यूटन मीटर टॉर्क करेंगे। 1 2 3 पूरा जो कैम बोल्ट है और कैम जो कैप है ये पूरा टाइट हो गया। अभी ये जो मार्किंग है, मार्किंग हर टाइम सही जगह में रखना है। ये जो एरो मार्क है, एरो मार्क हर टाइम इनलेट की तरफ रहेगा और ये जो एरो मार्क है ये एग्जॉस्ट की तरफ रहेगा। यही सेटिंग करने का सिस्टम है। बस पूरा जो 10 नंबर बोल्ट जो 12 नंबर बोल्ट सब टाइट हो गया। अभी हम लोग जो है टाइमिंग सेटिंग करेंगे, उसके बाद इनलेट मैनिफोल्ड और एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड लगाएंगे। छोटा छोटा काम अभी करेंगे, मेन काम हम लोग का हो गया। अभी अभी जिस टाइम टाइमिंग सेटिंग करेंगे उसको भी हम लोग अपडेट देंगे। अभी जो है हम लोग टाइमिंग पूरा जो है कंप्लीट हो गया। अभी टाइमिंग जो है यहाँ पे देखिए, ये जो व्हाइट मार्कर लगा हुआ है थोड़ा सा ये चेन के ऊपर से उड़ गया। ये व्हाइट जो मार्कर है ये येलो दाग में रहेगा और इधर में जो व्हाइट मार्क है ये जो पंच है येलो पंच इसमें रहेगा। 1 2 ये चीज़ मिलाना है और ये जो चीज़ है ये वाला दोनों जो दाग है इसको मिलाना है। बस ये दोनों हो गया और यहाँ पे जो मार्किंग है जो पॉइंट किया हुआ है ये पॉइंट से और ये जो चेन का जो प्लेट है इसमें सेटिंग होगा। और ये ऑयल पंप का कुछ मार्किंग नहीं रहता यहाँ पे। और जिस टाइम हम लोग एग्जस्टर खोलेंगे ये जो चेन थोड़ा सा ढीला है ये पूरा टाइट हो जाएगा। अभी जो टाइमिंग है ऐसा रहेगा, बहुत ही इजी टाइमिंग है। और यहाँ पे जो एग्जस्टर रहता है ये 12 नंबर का दोनों बोल्ट रहेगा और इसमें 10 नंबर का एक तो बोल्ट रहेगा और नीचे में कोई बोल्ट नहीं रहेगा। ये एग्जस्ट जो जो एग्जस्टर है ऐसा करके सेटिंग होता है, मतलब हम लोग को जो ऊपर में और उस टाइम जो पिस्टन है वो पूरा टॉप में है। 1 और 4 नंबर पिस्टन, यहाँ पे एक ठो मार्किंग, यहाँ पे एक ठो मार्किंग दोनों, और क्रैंक पे यहाँ पे मार्किंग हो रहा। और चाबी घाट जो है जिस टाइम इंजन हम लोग बांधेंगे उस टाइम आपका बाएं तरफ में रहेगा चाबी घाट। और जो यहाँ पे मार्किंग है ये मार्किंग हम लोग मार्क करेंगे। बस आज ज़्यादा कुछ नहीं है,